हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप कि सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तुर्किश लैम, यानी कि मैक्रोन। तो जिसके लिए मुझे चाहिए एक बॉटल, ग्लास बॉटल ली है मैंने यहाँ पे एक जैम की, और इसका कैप में एक होल कर देंगे। सबसे पहले आप एक होल कर दीजिए प्रॉपरली। होल करने के बाद एक इसके साइज़ के कटआउट कर लो दो, जैसे कि अभी आप देख रहे हो वीडियो में। सेंटर से एक कट मार के आप उसको फोल्ड कर दो। आप इसको स्टिक भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट काम किया है, मैंने यहाँ पे स्टेपलर कर दिया इसको। प्लीज़ स्टिक अप प्रॉपरली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको स्टिक अच्छे से बहुत अच्छे से स्टिक कर लो, क्योंकि मैंने इसको हाफ एंड आवर के लिए थोड़ा सा रेस्ट दे दिया तो अच्छे से स्टिक हो गई थी। गाइज, ये आप ना चार्ट पेपर भी ले सकते हो ब्लैक, पर मैंने यहाँ पे एक सिंपल पेपर पे ब्लैक एक्रेलिक कलर कर लिया था, जिसकी स्ट्राइप्स मैंने बना ली थी। तो आप भी इजीली ऐसा कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ मटेरियल लेके ही आना है, घर से जुगाड़ करो जो हो सकता है वही। और ये स्टिक भी बहुत ईजीली हो गए, बहुत आसानी से स्टिक कर लिया था मैंने उसको। ऐसे ही मैंने दो स्ट्राइप्स और बना ली, जिसको मैं ऊपर के लिए लुक के लिए इसको स्टिक करने वाली हूँ यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो तार, ये दरअसल मैंने पता है क्या किया, मैंने केबल की तार थी घर पे पड़ी हुई, उसके अंदर होता है ना एक तार, उस तार को निकाल दिया। उस तार को निकालने के बाद मैंने अच्छे से इसमें पिनअप कर दिया, जिससे मैं इसको हैंग कर सकूँ कहीं पर भी ईजिली, और बहुत स्ट्रॉन्गली इसको रोल अप करके फिट कर दिया था। और ये जो आप देख रहे हो चने की दाल है, अब इसकी जगह मोती थे नहीं मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने इसी से काम चलाया, पर आप इसकी जगह थर्माकोल के बीट्स भी ले सकते हो। पर ठीक है, जो काम घर से निकल सकता है उस काम को करा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कलर होने के बाद तो पता ही नहीं चलना था कि आपने यहाँ पे क्या स्टिक किया है। ये 3D लाइनर है, ये रेडीमेड भी आता है 3D लाइनर, पर मैंने इसे घर में ही बना लिया। और मैं हमेशा 3D लाइनर्स जो भी होते हैं, जो भी अभी तक की वीडियोस में यूज़ किया है, मैं घर पे ही बनाती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप इसका एक ट्यूटोरियल मैं आपको दूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये मैंने रैंडमली एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया था, आप बहुत अच्छे से कुछ और भी गूगल से सर्च करके या कुछ भी अपने माइंड से ड्रॉ कर सकते हो, पर क्योंकि तुर्किश लैम्प में मैंने जहाँ तक देखा है इसी तरीके के कुछ मेहंदी टाइप्स पैटर्न्स उनमें होते हैं लैम्प्स में, बहुत इजी भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, तो आप कुछ भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो।
अब इसको ड्राई होने देना। मैंने इसको हाफ एन आवर के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद मैं इस पर ब्लैक एक्रेलिक कलर कर रही हूँ, जो आपको ऑनलाइन या किसी भी क्राफ्ट शॉप पे अवेलेबल हो जाते हैं एक्रेलिक कलर्स बहुत इजीली। वैसे भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दूँगी। मैं आपको 3D लाइनर का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल करा दूँगी, तो आप उससे वहाँ से भी सर्च कर सकते हो या बाय कर सकते हो। ये एक सिंपल सी जैम की बॉटल है जो घर पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, किसी के पास भी अवेलेबल हो सकती है। अगर आपके पास ग्लास बॉटल नहीं अवेलेबल है तो आप इसको एक प्लास्टिक जार के साथ भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें आप ऐसे दिया या कैंडल टी लाइट तो जला नहीं सकते। आप किसके लिए एक चार्जेबल जो लाइट कैंडल होती है उसी को जला पाओगे। चलो इसको भी सुखाने के बाद ग्लास पेंट कर रही हूँ। ये भी जो ग्लास पेंट है ये भी मैंने घर में ही बनाया है, आप इसके बारे में भी मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने जो 3D लाइनर यूज़ किया ना, तो इसमें मैंने गोल्डन कलर मिक्स कर दिया था, तो वो गोल्डन कलर का हो गया डायरेक्टली, क्योंकि मैं अगर कलर करती तो बहुत मेस्टअप हो जाता। तो इसलिए क्या किया मैंने, 3D लाइनर्स जब बनाते वक्त ही मैंने इसमें ये कलर मिक्स कर लिया था। तो ऐसे आप कुछ भी कलर मिक्स करके 3D लाइनर्स बना सकते हो घर पे, जिससे डायरेक्टली ही गोल्डन कलर का जो डिज़ाइन है रैंडमली बना रही हूँ, पर जो डिज़ाइन है वो आ जाए। अब मैं इस पर क्या यूज़ कर रही हूँ, अब मैं इस पर कर रही हूँ गोल्डन डस्ट पाउडर। कॉपर दरअसल अवेलेबल नहीं है, जैसे कि सभी को पता है लॉकडाउन है, कुछ चीज़ें तो अवेलेबल हुई नहीं रही है। मैं चाहती थी यहाँ पे फुल प्रॉपर मेटल लुक देना जिसमें कॉपर आ जाए, लेकिन नहीं, मैंने फिर गोल्डन से ही कर दिया। गोल्डन से भी बहुत एंटिक लुक आ जाता है, लगता है कि आप मेटल यूज़ कर रहे हो। ये जो भी बनाया है मेटल से है, ये मेटल लुक क्रिएट कर देता है। फिर इसको देखने के बाद लगता ही नहीं कि ये एक पेपर से बनाया है। मैं फ्री हैंड ही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि फ्री हैंड से आपका जो 3D लाइनर्स के ऊपर आ जाता है तो जो आपका डिज़ाइन है वो उभर के आता है। आई होप कि आपको ये लैंटर्न अच्छा लग रहा होगा। अगर सच में आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर करके बताना, और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि न्यू चैनल है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो नाउ ये कंप्लीट है हमारा लैंटर्न यूज़ के लिए। तो आपका जो भी इससे बेस से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे है तो प्लीज़ कमेंट क्वेश्चन करके ज़रूर पूछिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बी सेफ।